259,582 संस्थाएं पंजीकृत हैं, जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है। खंड दो, कुल 135,664 पंजीकृत संस्थाओं की सूचनाएं एवं प्रविष्टियां विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं है, जिलेवार सूचना परिशिष्ट दो पर संलग्न है। पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं की सूचनाएं एवं प्रविष्टियां पोर्टल पर ऑनलाइन करने हेतु सरकार के स्तर पर निम्न प्रयास किए गए हैं। सहकारिता विभाग द्वारा 18/11/2019 को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए, परिशिष्ट तीन पर संलग्न है। नंबर दो, दिनांक 12/11/2019 को राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, समाचार जगत एवं राष्ट्रदूत समाचार पत्रों के माध्यम से संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को 31 दिसंबर 2019 तक जानकारियां अपलोड करने हेतु सूचित किया गया था। नंबर तीन, विभाग द्वारा 29/9/22 को विभागीय पोर्टल पर प्रोफाइलिंग के क्रम में आने वाली समस्याओं के निदान हेतु आदेश जारी किए गए, परिशिष्ट चार पर संलग्न है। विभाग द्वारा शेष पंजीकृत संस्थाओं की सूचनाएं विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अधिक नियम के अनुसार संस्थाओं को बाध्य नहीं किया जा सकता। खंड तीन, जी नहीं राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 एवं 4 क के अनुसार ही प्रोफाइल ई प्रोफाइलिंग के लिए सूचनाएं मांगी जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो ये जानकारी जानना चाहूँगी कि अभी तक भी 135,664 पंजीकृत संस्थाएं ऑनलाइन नहीं है। इनको ऑनलाइन मैं समझती हूँ कि आपने कहा है कि इनको हम बाध्य नहीं कर सकते, पर क्या सरकार द्वारा ऐसा कुछ इजी प्रोसेस हम अपना रहे हैं जिसकी वजह से ये ऑनलाइन हो जाए? क्योंकि 2019 में आपने प्रयास करा, फिर 2022 में 4 साल हो गए और आज तक भी अगर हम ऑनलाइन ई प्रोफाइलिंग के द्वारा नहीं कर रहे हैं तो क्या हम ऐसे उठा रहे हैं स्टेप्स जिसकी वजह से हम इसको ऑनलाइन कर सकें? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि प्रश्न का जो उत्तर 3 का जो उत्तर दिया गया है वो बिल्कुल भी तथ्यों के अकॉर्डिंग नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 4 और 4 क में ऐसा कुछ भी हम नहीं मांग रहे हैं एक्स्ट्रा, जो पहले ई प्रोफाइलिंग सिस्टम के पहले नहीं मांगते थे। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली ये नियम मांगे जाते हैं। उसमें ये कहा गया है कि वार्षिक सूची जो अपलोड करनी होती है उसके साथ बोर्ड मीटिंग का प्रस्ताव, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स और उपस्थिति सूची, वार्षिक सभा का नोटिस एवं उसका डिलीवरी प्रूफ, वार्षिक सभा के मिनट्स एवं उपस्थिति सूची, ये सारी चीज़ें मांगी जा रही है। जबकि जब ये ऑनलाइन नहीं था प्रोसेस तब ये नहीं मांगी जाती थी। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगी कि आप अगर इस प्रोसेस को थोड़ा ईजी करेंगे, ये सारे चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं मांगेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटीज इजीली ऑनलाइन एनुअल रिपोर्ट्स अपलोड कर पाएगी। क्योंकि आज भी एनुअल रिपोर्ट की सोसाइटीज में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो ऑल ओवर राजस्थान उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो माननीय सदस्य ने बात उठाई है, केवल इसके अंदर जो सूचनाएं मांगी जाती है 4 सूचनाएं हैं, इसके अलावा और कोई ज्यादा सूचना नहीं मांगी जा रही है। और 4 सूचनाएं तो नियमानुसार देनी पड़ती जब भी अपलोड होगा, और इसको और ज़्यादा साफ सुथरा करने के लिए नया अधिनियम ला रहे हैं जिसमें संशोधन करके संस्थाओं को बाध्य किया जाएगा कि आपको अपनी प्रोफाइल हर साल मीटिंग करने के बाद प्रोफाइल करनी है। क्योंकि 1958 में बने थे जब तक वैसे ही चल रहा था, इसलिए हमारा दबाव नहीं है, इसलिए वो सही सूचनाएं देते नहीं है। सूचनाएं तो केवल 4 मांगी है कि 1958 अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक आहूत किए जाने के उपरांत 14 दिन की अवधि में उनकी कार्रवाई विवरण रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। ये तो रूटीन की बातें हैं सभी, पर लेकिन ऐसी संस्थाओं को द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन करा के वापस नाम ही नहीं लेती है, उनके लिए कानून में संशोधन करके उनको बाध्य किया जाएगा कि आप अपनी सब सूचनाएं रखें ताकि पारदर्शिता। नहीं, मैं ये बस आपसे बोलना चाह रही हूँ कि इसके अंदर गवर्निंग बोर्ड की सूची भी मांगी जा रही है। जब अगला अमेंडमेंट में चीजें आ जाएगी तो रेलेवेंट ही नहीं। अगला प्रश्न श्री रामलाल शर्मा। प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 1, तो बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में 10 लाख परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने की घोषणा की गई थी। प्रदेश में दिनांक
8/2/2023 तक कुल 14,76,456